हेलो स्टूडेंट, एक डाउट काफ़ी बच्चों के दिमाग में है। क्या एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं, जो एसेंशियल रिपीट का मतलब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, वो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं और वो दो सब्जेक्ट में अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, डिस्प्यूटमेंट सेटलमेंट का आज लास्ट डेट है, 9 to 12 था। ठीक है, तो आज उनके लिए लास्ट चांस है कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का फॉर्म फिल करें, अपने पेरेंट्स को लेके जाएं और प्रिंसिपल से बात करें स्कूल के, और फिर पॉसिबिलिटी है कि वो शायद वो सबमिट कर लें। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट के दो सब्जेक्ट के फॉर्म फिल कर दो, और जिन पे एसेंशियल रिपीट है यानी एक सब्जेक्ट में उनके पासिंग मार्क्स भी नहीं हैं, तो उनका कंपार्टमेंट लगेगा, इम्प्रूवमेंट नहीं लगेगा। इम्प्रूवमेंट उन्हीं बच्चों का लगेगा जो पास तो हो गए, लेकिन अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, वो बच्चे एक से ज़्यादा एग्ज़ाम दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और दूसरा जो डाउट था, डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट कब तक आएगा? तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट 16 अगस्त तक ये बता दिया जाएगा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट से मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं। ठीक है, वो 16 अगस्त तक सबको क्लियर हो जाएगा, और कल से 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्कूल में ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा या लेटर होगा वो सबमिट करना होगा जाके, तो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाला जो फॉर्म है उसको फिल करो जाके। और डिस्प्यूट सेटलमेंट का जैसा मैंने बताया कि रिजल्ट 16 तक बता दिया जाएगा कि कैसा आने वाला है, रिजल्ट बाद में भी आ सकता है। ठीक है, एक डाउट और है कि ये कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट के साथ साथ क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी फॉर्म डाल सकते हैं, या जिन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट का फॉर्म डाल दिया है वो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट वाला भी डाल सकते हैं? हाँ, ऐसा CBSE ने सर्कुलर में कुछ नहीं बताया कि जो डिस्प्यूट वाले हैं वो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट वाला डालेंगे या नहीं, या जो इम्प्रूवमेंट जिन्होंने डाल दिया है वो डिस्प्यूट का नहीं डाल सकते। ठीक है, इसके लिए अपने स्कूल से बात करो जाके, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले बच्चे हैं वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को डाल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को फिल करें, और जिनका कंपार्टमेंट लगा हुआ है वो बच्चे कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करें, जिनका एसेंशियल रिपीट है यानी RT लगा हुआ है वो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट डाल दें और दो सब्जेक्ट में डिस्प्यूट सेटलमेंट का डाल दें। ठीक है, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि उनके मार्क्स बढ़ जाएं। आगे कोई भी अपडेट आएगा, आगे कोई भी डाउट आएगा, कमेंट मुझे ज़्यादातर लगेगा कि डाउट ये हैं, तो उस पर हम आगे वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू।